नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर ग्वालियर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश कैबिनेट मंत्री माया सिंह मुख्य रूप से शामिल हुई। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन में विवाह से फिजूल खर्चों पर रोक लगाई जा सकती है। अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सरकार के मंत्रियों ने अपनी उपस्थितियां दर्ज कराई। कार्यक्रम में शामिल होते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री माया सिंह ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलन से फिजूल खर्चों पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री माया सिंह ने परिणय सूत्र में बंधे नव दंपतियों को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। कि उनके जीवन में समृद्धि आए, सुख रहे और आगामी जीवन में वो लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। अक्षय तृतीय के शुभ मुहूर्त पर सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत मध्य प्रदेश में सैकड़ों वर वधुओं का दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इस बार अक्षय तृतीया पर छत्र योग और सौभाग्य का अद्भुत संयोग बना है। ज्योतिषियों के मुताबिक ऐसा सहयोग कई सालों में एक बार आता है। इस बार अक्षय तृतीया पर कृतिका नक्षत्र और सूर्य प्रधान है, साथ ही चंद्रमा मंगल की युति से मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे अक्षय तृतीया पर होने वाले मांगलिक कार्य काफी उत्तम होते हैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।